लोकसभा की सभी 543 सीटों के ऑफिशियल नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। एनडीए के खाते में 292 सीटें आई हैं, जबकि कांग्रेस की 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को कुल 234 सीटें मिली हैं। इन आंकड़ों के साथ जहां करीब करीब हर पार्टी में जश्न है, तो अब नई सरकार बनाने को लेकर हलचल तेज है। हलचल का पूरा सेंटर आज दिल्ली में है। सबसे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर सुबह 11:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में मोदी 3.0 के एजेंडे पर चर्चा हो सकती है। साथ ही आज दिल्ली में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों बैठकें कर रहे हैं। बैठक में शामिल होने के लिए दोनों गठबंधन के नेता दिल्ली के लिए रवाना होने लगे हैं। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होने के लिए शरद पवार बेटी सुप्रिया सुले के साथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की बैठक में उद्धव ठाकरे की जगह संजय राउत शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे आज अपनी पार्टी के विजयी उम्मीदवारों से मातोश्री पर मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन आज दिल्ली में जबरदस्त हलचल का दिन है। एक तरफ अभी तक के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश की बागडोर संभालने जा रहे हैं, क्योंकि आंकड़े ये बता रहे हैं कि एनडीए को बहुमत है। लेकिन इस बहुमत में जो बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, जिन पर इंडिया गठबंधन की भी नजर टिकी हुई है। नीतीश कुमार एनडीए की इस बैठक में शामिल होने के लिए सुबह 10:40 पर दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक ही फ्लाइट से दिल्ली आ रहे हैं। तेजस्वी जहां इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे, तो वहीं नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन दोनों साथ आ रहे हैं और इसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। नतीजे के बाद से ही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने शुरू हो गए हैं। कल आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि नीतीश कुमार के सामने ऐतिहासिक भूमिका निभाने का मौका है। कल से ही जब से नतीजे सामने आए हैं, इंडिया अलायंस के नेताओं की तरफ से एक के बाद एक नीतीश कुमार को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार पर डोरे डाले जा रहे हैं। इन सबके बीच आज जब फ्लाइट में दोनों नेता साथ आएंगे तो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या बात होती है। तेजस्वी यादव इन पूरे चुनावों में नीतीश कुमार का नाम लेते रहे, नीतीश कुमार के दिल की बात करते रहे, नीतीश कुमार को अपना करीबी बताते रहे, और ऐसे में दोनों नेता एक साथ फ्लाइट में आएंगे तो क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। नीतीश चंद्रा मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। नीतीश, वैसे तो नीतीश कुमार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि नीतीश कुमार हैं जो सुबह कुछ कहते हैं और शाम होते होते कुछ और हो जाता है। क्या होगा आज, नीतीश कुमार का फैसला क्या है, और तेजस्वी और दोनों साथ फ्लाइट में आ रहे हैं, क्या संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बार बार पाला बदला है, उसी के कारण इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि उन चर्चाओं में अब बहुत दम नहीं है। जेडीयू के तमाम नेता कई बार कह चुके हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो भी ये कहती हैं कि नीतीश कुमार का एनडीए में रहना ही बेहतर है। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए 10:40 की फ्लाइट से अभी रवाना होंगे, और उसी फ्लाइट में तेजस्वी यादव भी होंगे। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि जब फ्लाइट में आमना सामना होगा तो फिर चाचा भतीजा जो खुद को कहते रहे हैं, उनमें क्या कुछ बात होती है, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है। हालांकि आपने देखा, चुनाव में तेजस्वी यादव ने कभी नीतीश कुमार पर कोई डायरेक्ट हमला नहीं किया, तीखा हमला नहीं किया। नीतीश कुमार लगातार तेजस्वी यादव पर कुछ बोलते रहे परिवार को लेकर, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। हालांकि वो एक राजनीतिक रणनीति थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को उनको साधना था, चूंकि उसी वोट बैंक के कई लोग उनके उम्मीदवार थे तेजस्वी के, इसलिए नीतीश कुमार पर वो सीधा हमला नहीं करना चाहते थे। तो वहाँ तो एक रणनीति थी, लेकिन अभी जब दोनों फ्लाइट में साथ होंगे, और चूंकि कुछ महीने पहले तक दोनों साथ में सरकार में थे, सीएम और डिप्टी सीएम का रिश्ता था, चाचा भतीजे का रिश्ता कहा जाता है, तो ऐसे में फ्लाइट में जब दोनों साथ होंगे तो निश्चित रूप से वो तस्वीरें बड़ी दिलचस्प होगी और क्या कुछ दोनों में बातें होती हैं। रही बात दिल्ली में जो एनडीए की बैठक है, उसमें एनडीए के तमाम घटक दल के जो दूसरे नेता हैं, जीतन राम मांझी, वो 12:00 बजे की फ्लाइट से गया से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। चिराग पासवान भी उस बैठक में शामिल होने के जाएंगे। तो नीतीश कुमार के सीटों को अगर आप एनडीए से माइनस भी कर देते हैं तब भी एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा रहेगा, और नीतीश कुमार भी ये बात बखूबी जानते हैं कि 12 सीटों के साथ अगर वो इंडिया अलायंस में भी जाएंगे तो बहुत कुछ इंडिया अलायंस को हासिल नहीं हो पाएगा। आप बने रहिए नीतीश हमारे साथ। देखिए, सरकार बनाने की जो हलचल है वो तेज होने के साथ ही इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर डोरे डालने शुरू हो गए हैं।
आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक काम करने वाले शिवानंद तिवारी ने कहा कि भारतीय राजनीति एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जिसमें नीतीश कुमार ऐतिहासिक भूमिका निभा सकते हैं। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें नीतीश कुमार को एक सेकुलर नेता बताया है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद वो कभी भी अपने सेकुलर एजेंडे से पीछे नहीं हटे। चुनाव अभियान के बीच राजस्थान में मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ जैसी भाषा का प्रयोग किया वो अकल्पनीय था। कोई सेकुलर व्यक्ति इस तरह की भाषा को सहन कैसे कर सकता है? यानी शिवानंद तिवारी सेकुलर के बहाने नीतीश को अपने साथ आने के लिए डोरे डाल रहे हैं, और सिर्फ शिवानंद तिवारी नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार पर अब क्लेम कर रहे हैं और नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन के साथ एक बार फिर आने के लिए कह रहे हैं। नीतीश, ये बात तो हमें नहीं भूलनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन की नींव तो नीतीश कुमार की तरफ से ही रखी गई थी और इसीलिए इंडिया गठबंधन के नेता कोशिश भी कर रहे हैं। क्या किसी की कोई बातचीत हुई है संपर्क साधने की आरजेडी नेताओं की जेडीयू के साथ, कोई जानकारी? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई संपर्क उनसे साधा नहीं गया है। ये बातें जरूर कही गई हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से, कुछ नेताओं की तरफ से, जैसे उद्धव ठाकरे ने ये बात कैमरे पर कही कि वो बातचीत करेंगे, लेकिन आधिकारिक तौर पर कोई प्रस्ताव, किसी तरह का ऑफर, इस तरह की बात अभी नहीं है। तो जाहिर है एक मैसेज देने की कोशिश है नीतीश कुमार को ये बातें कहकर, लेकिन नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात है। और जैसा कि हम कह रहे थे कि जो परिस्थितियां हैं उसमें नीतीश कुमार के लिए इंडिया गठबंधन में जाना बहुत फायदेमंद भी नहीं है। एक तो नीतीश कुमार यदि छोड़ भी देते हैं, यहाँ तक कि TDP साथ छोड़ती है, तब भी जो है बहुमत का आंकड़ा दूर रहेगा। तो ऐसे में इस तरह के खतरे लेने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात है कि अभी जो स्थिति है एनडीए की, उसमें नीतीश कुमार बार्गेन करने की स्थिति में है। नीतीश कुमार अचानक, एक तरह से कहिए, जिस तरह से हाशिए पर थे, कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार की भूमिका अब खत्म हो रही है, यदि बिहार में नुकसान होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी को होगा, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ इसके। और जिस तरह से नीतीश कुमार का राजनीतिक कद अचानक बढ़ा है, एक यूटर्न है नीतीश कुमार की राजनीति में भी, कि किस तरह से उनका कद बढ़ा है। तो ऐसे में अब नीतीश कुमार एनडीए में रहकर जो है अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं। फिर विधानसभा का चुनाव सामने है, उनको यह भी देखना है कि विधानसभा में फिर जो है वो बार्गेन करने की स्थिति में रहेंगे। तो हर तरह से नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक परिस्थितियां एनडीए में रहने के लिए बेहतर हैं, ना कि इंडी में। और नीतीश कुमार ने बार बार कहा है सार्वजनिक मंच पर, नरेंद्र मोदी के साथ जितनी रैलियां की, हर रैली में उन्होंने ये बात दोहराया कि हम इस बार अब आए हैं तो कभी वापस लौट के नहीं जाएंगे। और कोई राजनीतिक साख, ठीक है नीतीश कुमार ऐसा पहले कर चुके हैं, लेकिन बार बार यदि इतनी बार होगा तो जाहिर है नीतीश कुमार के लिए एक कह सकते हैं कि ये आत्मघाती कदम होगा। तो मुझे नहीं लगता कुमार के बयानों पर यकीन सियासी सुरमा नहीं करते हैं, लेकिन जो पहलू आप बता रहे नीतीश, इस पर जरूर ध्यान दिया जा सकता है कि नीतीश कुमार अपना फायदा भी देखेंगे। बार्गेनिंग अगर करनी है तो एनडीए के साथ रहने में उनका फायदा है। ये सब बातें हैं जो नीतीश कुमार के मन को पलटने में शायद कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। शुक्रिया आपका नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, चुनावी नतीजे आ चुके हैं और चुनावी नतीजों के बाद हलचल सबसे ज्यादा दिल्ली में बढ़ी हुई है। 10 सालों से सत्ता का इंतजार कर रही कांग्रेस उम्मीदें तलाशने लगी है और इसके लिए आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। आज शाम होने वाली इस बैठक में तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है। आज इंडिया अलायंस इस बात का फैसला करेगा कि उसकी भूमिका क्या रहने वाली है। गठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं कि वो केंद्र में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी इस पर आज फैसला लेने की बात कह चुके हैं, तो उद्धव ठाकरे एक कदम आगे निकलकर पीएम पद के नाम पर फैसला लेने की बात कर चुके हैं। इस बीच खबर यह है कि इंडिया अलायंस बिहार के सीएम और जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। इन दोनों से बात करने का जिम्मा शरद पवार को सौंपा गया है। गठबंधन के सारे नेता आज दिल्ली में जुट रहे हैं और इसे लेकर बड़ी खबर आ सकती है। हालांकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि गठबंधन बहुमत लायक सीटें कहां से जुटाएगा। पांच तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। कांग्रेस 99 सीटें जीतने के बाद जश्न में डूबी है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के प्रदर्शन से गदगद है। ममता से लेकर स्टालिन तक सब जीत के जोश से लबरेज है और इन सभी के जोश का आलम यह है कि अकेले बीजेपी जितनी सीटें न लाने के बावजूद भी
दिल्ली में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं। आंकड़ा देखिए, एनडीए 292 सीटें जीत चुका है, जिसमें अकेले बीजेपी की 240 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस की 99 सीटों की मदद से इंडिया अलायंस के पास कुल 234 सीटें हैं। इसके बावजूद आज दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है। इस बैठक में जीत का सेहरा बंधवा रहे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो रहेंगे ही, टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी शामिल होंगे। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी एसपी की तरफ से खुद अखिलेश यादव शामिल होंगे, तो आरजेडी से तेजस्वी यादव सरकार बनाने की माथापच्ची का हिस्सा बनने वाले हैं। शिवसेना यूबीटी की तरफ से खुद उद्धव ठाकरे दिल्ली पहुंच रहे हैं। डीएमके के चीफ एमके स्टालिन, जेएमएमसी चंपई सोरेन, लेफ्ट पार्टियों में से डी राजा, सीताराम येचुरी, दीपंकर भट्टाचार्य के साथ साथ आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल होंगे। हम एक कोलिशन के भाग हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी है, बाकी पार्टियां हैं, और उनके साथ अभी हमारा डिस्कशन नहीं हुआ है। हमने, भैया शांत हो जाएं, हमने उनसे कहा था, इंडिया पार्टनर से कहा था कि चुनाव के बाद 5 तारीख को हमारी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में हम ये जो सवाल है इसको डिसाइड करेंगे। तो सचमुच में इस सवाल का जवाब आज हमारे पास है नहीं, कल होगा। राहुल गांधी का संकेत साफ है कि इंडिया गठबंधन केंद्र की कुर्सी की दौड़ में शामिल होने जा रहा है। वहीं उद्धव ठाकरे तो और आगे निकलकर पीएम पद के नाम तक पहुंच चुके हैं। महाराष्ट्र में 9 सीटें जीतकर उद्धव अब पीएम का नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। बातचीत जरूर करूंगा, मेरे और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। सीटें कम होने के बाद भी सरकार कैसे बनेगी, इसका फॉर्मूला भी उद्धव ने निकाल लिया है। खबर है कि एनसीपी चीफ शरद पवार बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से बात करेंगे और उन्हें इंडिया अलायंस में शामिल होने के लिए मनाएंगे। शरद पवार ने अभी पीएम पद पर पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सरकार बनाने की कोशिशों को उनका पूरा समर्थन है। सरकार बनाने के लिए इंडिया अलायंस के समीकरण को समझिए। इंडिया अलायंस के पास अभी 234 सीटें हैं। अगर उन्हें टीडीपी के 16 और नीतीश की पार्टी के 12 सांसदों का समर्थन मिल जाता है तो ये नंबर 262 तक पहुंचता है। इसके बाद भी इंडिया अलायंस को जोर लगाना होगा। इस बार बंगाल में एक बार फिर सीएम ममता बनर्जी का सिक्का चला। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज करके बीजेपी को पीछे धकेल दिया है। ममता ने अब मोदी और अमित शाह को इस्तीफा देने की नसीहत दी है, साथ ही कहा कि वो केंद्र में इंडिया की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगे। Because if India is in, the people will be safe, the country will be safe. And I think India has that capacity. नंबर कम है, लेकिन इंडिया अलायंस को इस जीत ने इतने जोश से भर दिया है कि उन्हें बस अब दिल्ली की कुर्सी दिखाई दे रही है। The people have rejected BJP and its disastrous policies and people look for a change. And India bloc is capable of providing change of government, alternate viable government which will be pro people. I hope president will use her powers in accordance to the constitution. Let us hope people are looking for a change. इस वक्त चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक किंग मेकर की भूमिका में आ गए हैं। बीजेपी जानती है कि अगर नीतीश या नायडू पाला बदले तो मामला फंस सकता है, इसलिए काउंटिंग के साथ ही बीजेपी की कोशिशों की झलक पीएम मोदी ने अपने विजय भाषण में दे दी। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी चुनावी नतीजों के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से फोन पर बात कर चुके हैं। एनडीए अलायंस सरकार बनाने की कोशिश करेगा या फिर विपक्ष में बैठेगा, इस पर अखिलेश यादव अभी चुप हैं।
हालांकि लखनऊ में उनके घर के बाहर लगे पोस्टर बता रहे हैं कि महत्वाकांक्षा को उनके समर्थकों ने भांप लिया है। अखिलेश के घर के बाहर लगे पोस्टरों में लिखा है, अब की बार पीडीए सरकार। इन पोस्टरों में अखिलेश ही जीत के नायक है। सो इट इज अ ग्रेट विक्ट्री फॉर आवर पार्टी, इट विल रिफ्लेक्ट इन द यूनियन गवर्नमेंट वेरी सून। लेकिन लखनऊ से सैकड़ों किलोमीटर दूर डीएमके भी दावा कर रही है कि वो केंद्र में सरकार बनाने की तैयारी में लग गए हैं। अब मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई है, इसके साथ ही नई सरकार बनाने को लेकर रेस तेज हो गई है। आज बीजेपी ने एनडीए की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में पीएम मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। बैठक में नई सरकार के गठन और आगे की प्लानिंग पर चर्चा की जाएगी। इस बार बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, लेकिन बहुमत से 32 सीटें दूर है। दो बार लगातार बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलता रहा, लेकिन अब की बार बीजेपी एनडीए के साथियों के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। वहीं विपक्ष की सीटें खूब मजबूत हुई हैं, लेकिन वो अभी भी सरकार बनाने की हालत में दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तीसरी बार देश में मजबूत सरकार बनने जा रही है। एनडीए गठबंधन की तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए अपना अमूल्य वोट दिया। हम मजबूती से गठबंधन के साथ हैं, न बिहार में कोई परिवर्तन है न दिल्ली में कोई परिवर्तन है। मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। नीतीश नायडू का साथ, तीसरी बार मोदी सरकार। मोदी के हनुमान ने किया कमाल। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब नई सरकार बनाने की रेस तेज हो गई है। देश में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। 1962 के बाद ये पहली बार है जब कोई सरकार अपने दो कार्यकाल पूरे करने के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए 290 के पार पहुंचा है। इस बार नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले एनडीए में 292 सीटों पर जीत हासिल हुई है। वहीं एनडीए अलायंस को 234 सीटें ही मिल पाई हैं, अन्य के खाते में 17 सीटें गई हैं। आज की ये विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। ये भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। ये विकसित भारत के प्रण की जीत है। ये सबका साथ सबका विकास इस मंत्र की जीत है। ये 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। तीसरी बार सत्ता में वापसी के साथ अब नई सरकार को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। आज दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक है। इस बैठक में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, जीतनराम मांझी और पवन कल्याण समेत एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। बैठक में एक बार फिर पीएम मोदी के नाम पर मोहर और नई सरकार बनाने पर चर्चा होगी। तीसरी बार एनडीए आंकड़ों में भले ही 2014 और 2019 के मुकाबले कम हो, लेकिन नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी अपने उसी अंदाज में काम करेंगे, इसकी गारंटी उन्होंने जीत के तुरंत बाद दे दी। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा।
और ये मोदी की गारंटी है। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने का जनादेश दिया है। देश में गठबंधन वाली सरकार का दौर एक बार फिर से लौट आया है। 2024 के चुनाव में एन फैक्टर जमकर चला है। नमो, नीतीश और नायडू, नई सरकार में ये तीन चेहरे अहम होंगे। मैं बधाई दूंगा मेरे प्रधानमंत्री जी को, उनके नेतृत्व की ये जीत है। जिस तरीके से एनडीए को उन्होंने मजबूती देने का काम किया, ये हमारे गठबंधन की जीत है। बिहार की मैं बात करूं, हमारे गठबंधन का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। विपक्ष के द्वारा जो खाली दावे किए जा रहे थे, खाता नहीं खुलेगा, ये नहीं होगा, कहीं ना कहीं बिहार की जनता ने पुनः मेरे प्रधानमंत्री जी पर अपना विश्वास जताया। मेरे लिए थोड़ी खुशी की बात है, 5 की 5 सीटें हमारी पार्टी जीती है, 100% स्ट्राइक रेट रहा है। ऐसे में पुनः प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में मजबूत सरकार बनने जा रही है। अपने सभी भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और एनडीए के साथी दलों के कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में अथक परिश्रम किया और ये सबके परिश्रम के कारण आज हमने मिर्जापुर में तीसरी बार हैट्रिक लगाई है। मैं देश के मतदाताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने हमारे एनडीए गठबंधन की तीसरी बार हैट्रिक लगाने के लिए अपना अमूल्य वोट दिया है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है। ऐसे में बीजेपी अपने साथियों को साधे रखना होगा। इस वक्त एनडीए के दो बड़े साथी हैं, बिहार में नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को जहां 12 सीटें मिली हैं, वहीं चंद्रबाबू नायडू 16 सीट के साथ पीएम मोदी के बड़े साथी बनकर उभरे हैं। नीतीश कुमार चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के साथ थे, लेकिन एन चुनावों से पहले एनडीए के साथ आ गए। यही वजह है कि नतीजों के बाद एनडीए के साथी नीतीश कुमार को लेकर विपक्ष ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इंडिया अलायंस के नेता कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, लेकिन जेडीयू ने साफ कर दिया है कि अब वो मोदी के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं एक बात बार बार कहूं, आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। नीतीश जी के साथ हम विरोध में भी रहे, लड़े भी, साथ में काम भी किया, लेकिन इतना हम जानते हैं उनकी राजनीति फासिस्ट ताकतों के खिलाफ रही है। उन्हें आत्ममुक्तता पसंद नहीं आई, तानाशाही कभी किसी की पसंद नहीं आई। मैं समझता हूं उसी अनुसार निर्णय लेंगे। ये भी कहना चाहते हैं कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है, नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, ये भी तय है, और इसी को लेकर आज दिल्ली में एनडीए की बैठक हो रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन भी अपने प्लान पर काम करने के लिए आज दिल्ली में बैठक कर रहा है। इन दोनों बैठकों के बीच सबकी नजर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर लगी है। इन दोनों के पास ही सत्ता की चाबी है, ये दोनों ही बीजेपी के साथ प्री पोल अलायंस में है। नीतीश कुमार की पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू 16 सीटें जीतकर सुर्खियों में है। इंडिया गठबंधन के नेता खुले तौर पर ये कह रहे हैं कि वो इन दोनों से बात करेंगे। आरजेडी के नेता पुराने संबंधों का हवाला देकर खुलेआम नीतीश कुमार से इंडिया गठबंधन में वापसी की अपील कर रहे हैं, तो उद्धव भी नीतीश से बात करने की बात कर चुके हैं। त्यांच्याबद्दल, त्यांच्याशी काँग्रेसकडनं म्हणा, इतरांकडनं म्हणा बोलणी सुरू आहे। परत एकदा सांगतो की चंद्रबाबू नायडूंना सुद्धा भाजप सरकारने काही कमी त्रास दिला नव्हता, नीतीशना सुद्धा काही कमी त्रास दिला नाही, तर पुन्हा त्रास हवा का, हा एक प्रश्न आहे। आणि मला खात्री आहे की एकदा हे गेलेले सरकार उंबरठ्यावरती आहे, ते उंबरठ्यावरनं बाहेर काढण्यासाठी सगळे जे यांच्या जुलूम जबरदस्तीला चिडलेले आणि कंटाळलेले लोक आहेत, ते इंडिया आघाडीत येतील। का मौका दिया है, निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास के लिए जो भी हो सके। धन्यवाद। सर, इंडिया अलायंस को लेकर क्या कहेंगे सर?
तो ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी थे और साथ ही साथ रामवीर सिंह बिदूड़ी जो कि भाजपा के आजादा रामवीर सिंह कर ले बस नहीं जाएगा। तो देखिए आज बैठकों का दौर दिल्ली में देखने को मिलेगा जहां एनडीए आज अपनी बैठक करने जा रहा है और उसके लिए एनडीए में शामिल तमाम नेता एक एक करके दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं इंडिया गठबंधन भी आज बैठक करने के लिए जा रहा है। लोकसभा चुनावों के नतीजों से एक बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिली है। 2014 में 50 से भी कम सीटें और 2019 में महज 52 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 99 का आंकड़ा छू लिया है। आपको बताते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहले बात कांग्रेस के गठबंधन की। राहुल गांधी ने यूपी में अखिलेश के साथ गठबंधन करके बाजी को पलटा तो महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार के साथ वो मजबूती से खड़े रहे। बिहार में बड़ा फायदा नहीं मिला लेकिन 2019 के मुकाबले 2 सीटों का फायदा कांग्रेस को जरूर हो गया है।